नमस्कार, बेस मेटल वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। अगर बेस मेटल की अगर बात करें तो पूरे बेस मेटल पैक एक मिला जुला ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया। जैसे कि आप जानते हैं कि बेस मेटल के अंदर हमने देखा कि चाइना हॉलिडे पे जाने की वजह से कहीं ना कहीं चाइना के डेटा भी खराब थे, जिसकी वजह से बेस मेटल में कहीं पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। हमने जो गिरावट देखी वो कहीं ना कहीं प्राइजेस को एक मौका बना और शॉर्ट कवरिंग होते हुए देखा। हमने कॉपर इस वक्त 706 के करीब ट्रेड कर रहा है, फ्लैट है। जिंक के अंदर भी हम देख रहे हैं कि प्राइजेस में एक गिरावट के बाद रिकवरी दिखा दी। लेड और एल्यूमिनियम भी अगर हम देखते हैं तो प्राइजेस को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिला। बिल्कुल, अगर हम डेटा पॉइंट की बात करें तो आज मॉर्निंग में भी हमने देखा चाइना से तो कुछ नंबर आ नहीं रहे, बट 15-16 तारीख के बाद चाइना जैसे ओपन अप होगा कहीं ना कहीं मेटल्स की डिमांड में इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। बट एज ऑफ नाउ रिसेशन फियर के चलते मार्केट में कहीं ना कहीं हाई लेवल पे दबाव बना हुआ है। हमने रिसेंटली देखा यूके, यूएस और जापान से जो नंबर्स आए वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी पे दबाव ही ला रहे। बट फिर भी अगले एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो कॉपर के अंदर हमें लग रहा है कि 706-706.50 के करीब अगर हम बात करें तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, बट लिमिटेड अपसाइड रहेगा। जो 712 तक का लेवल हम कॉपर में देख पाएंगे। वहीं जिंक की अगर हम बात करते हैं तो जिंक के अंदर भी प्राइजेस के अंदर एक अपलिफ्ट रहेगा, बट 210-211 तक का एक पुलबैक दिखाकर ही मार्केट के अंदर एक नई रणनीति बनानी पड़ेगी। लेड के अंदर भी हमें लगता है एक दायरा बना हुआ है मार्केट के अंदर, और एल्यूमिनियम के अंदर हम देख रहे हैं कि शॉर्टेजेस बीच में थी बट अब नहीं दिखाई दे रही, डिमांड में स्लगिशनेस है, तो प्राइजेस 199 से लेकर 203 के बीच में ट्रेड करेगा। अगले हफ्ते में डेटा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट होनी है। जैसे आज मॉर्निंग में हमने जापान से नंबर देखा जो टेक्निकल रिसेशन का फियर बताता है। यूएस के अंदर ऑलरेडी हमने देखा है कि जो इंटरेस्ट रेट को लेकर चिंता थी वो और गहराती जा रही है, और फेड ने क्लियर कट कह दिया कि मार्च अप्रैल मई जून तक कोई मेजर रेट कट नहीं रहेगा, जिसके चलते डॉलर में जो तेजी आई है ये एक मुख्य कारण बन गया, जिसकी वजह से हमने पूरे ही बेस मेटल पैक के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट बनते हुए देखी है। तो अगला हफ्ता थोड़ा रिकवरी का जरूर रहेगा मार्केट में, फ्रेश शॉर्ट की सलाह नहीं, क्योंकि चाइना मार्केट जब ओपन अप होगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिमांड बनेगा, लेकिन अभी भी रियल स्टेट को लेकर चाइना से एक कंसर्न बना हुआ है, जिसके चलते कोई बड़ी तेजी अगले हफ्ते 10 दिन में नहीं दिखाई दे रही। टेक्निकल पुल बैक या टेक्निकल शॉर्ट कवरिंग थोड़ा बहुत हम देख पाएंगे पूरे बेस मेटल पैक के अंदर। धन्यवाद।